नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश। आज मेरा गांव मेरा देश उत्तराखंड एडिशन में हम बात करेंगे दो विधानसभा सीटों की, एक तो थराली और दूसरा बद्रीनाथ। तो ये दोनों विधानसभा के बारे में हमने हालांकि पहले भी बातचीत की है, लेकिन समस्याएं वहां के लोगों की किस तरह से अभी भी बनी हुई है वो लगातार बार बार उठाने की, हम उजागर करने की कोशिश यहां पर करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का मकसद यही है कि जनता को मंच दिया जाए और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको उनके प्रतिनिधियों के सामने रखा जाए, ताकि जो बड़े बड़े वादे चुनाव से पहले जनता से तमाम नेता तमाम मंत्री करते हैं, उन वादों को निभाना क्यों अक्सर वो भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बना है। और ऐसे में अब तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे दोनों ही विधानसभाओं की कि किस तरह से हालात अभी भी वहां पर जस के तस बने हुए हैं। जहां विकास की बात की जाती है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह का विकास यहाँ पर हुआ है। ना तो सड़कें बनी हैं अब तक, ना लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, और वैसे सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास किया है और हमने जनता के लिए खूब काम किया है, लेकिन कितना काम जनता के लिए किया गया है, कितना विकास जनता के लिए हुआ है, ये इन तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, बेहद नज़दीक है, तमाम पार्टियाँ अपने अपने रैलियां कर रही हैं, बड़े बड़े नेता दिल्ली से उठकर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तमाम रैलियां निकाली जा रही हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार बनने पर हम फ्री बिजली फ्री पानी देंगे, तो बीजेपी कहती नज़र आती है कि हमने उत्तराखंड में इतना विकास कर दिया है और आगे भी विकास की इसी तरह से बयार हम बहाएंगे। साथ ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, लेकिन जो असल तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनावी माहौल में दिखती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि विकास की बात लगातार की जाती है। साथ ही ये कहा जाता है कि लोगों को उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाया जाएगा, लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, लेकिन जब 21 साल तक उत्तराखंड में सड़कें नहीं बनी हैं, कई जगहों पर विकास नहीं हुआ है, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड की जनता की आवाज़ सुनी जा रही है। इसीलिए मेरा गाँव मेरा देश कार्यक्रम हमने आज रखा हुआ है, इसलिए मंच यहाँ पर जनता को हम देंगे। तमाम दो ग्रामीण भी हमारे साथ इन दोनों ही विधानसभाओं से जुड़ेंगे, जो अपने अपने विधानसभा की समस्या बताएंगे और ऐसे में वहां पर किस तरह के वादे लोगों से किए गए और क्या काम अब तक हुआ क्या नहीं हुआ ये भी यहां पर हम उठाएंगे, ताकि जो बड़े बड़े नेता चुनाव से पहले ये कहते हैं कि हमने बहुत उत्तराखंड में विकास कर दिया, हमने पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को काफ़ी सुविधाएं दी हैं, ताकि उनको आईना दिखाया जा सके कि आखिर कितनी सुविधाएँ कितना विकास आपने पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों में किया है, ये तस्वीरों के जरिए दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और लोग जो समस्याएँ यहां पर बताएंगे वो भी हम उठाने की कोशिश यहां पर करेंगे। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों पर, जहां पर कहीं ना कहीं एक अच्छी सड़क बननी चाहिए थी ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन वहां पर तो सड़क छोड़िए रास्ता ही पूरी तरह से खराब होता नजर आ रहा है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग यहां पर कितनी मुश्किल से आना जाना करते होंगे, और आना जाना जब नहीं ढंग से हो पाता होगा तो क्या सुविधाएं उन्हें वहां पर मिलती होंगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे ही सुविधाओं का अभाव रहता है। उसके बावजूद भी अगर ध्यान उन सभी समस्याओं पर नहीं दिया जाएगा तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग कितने परेशान होंगे। तो ऐसे में थराली विधानसभा से हरेंद्र नेगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, बद्रीनाथ विधानसभा से अतुल सती हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। हरेंद्र नेगी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, थराली विधानसभा की परेशानियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, और कितना विकास अभी तक वहां पर हुआ है, क्या सुविधाएं वहां पर जनता को मिलती हैं या नहीं मिलती? सभी मीडिया प्रभारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा
आप लोगों ने हमारे क्षेत्र में दूरदराज के जो क्षेत्र हैं वहां तक की आवाज को शासन प्रशासन तक भेजने में अपना सही प्रदान किया है। जहां तक बात है विधानसभा की शाली विधानसभा क्षेत्र है वहां पर लगभग 4.5 विकास की बातें हैं। देवान खड़ानी नारागढ़ विकास नगर घाट और नंदप्रयाग की न्याय पंचायत क्षेत्र आज बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, कंस्ट्रक्शन का मामला हो, हमारे क्षेत्र में चालू समस्याएं अभी मूलभूत है। जहाँ एक और देश और विदेश में रोजगार की बात करते ही सबसे आगे की बात करते ही, लेकिन हमारी अभी तक पगडंडियां हैं। सड़कों के अस्पताल जाने के लिए पगडंडी के माध्यम से अभी हम लोग जाते हैं, संजीव के माध्यम से आवागमन हो रहा है। स्कूलों के लिए जब गले रहे सभी लोग आ जाते हैं तो बच्चों के लिए एक एक महीना दो दो महीना तक कभी स्कूल से वंचित रहना पड़ता है। जहाँ तक दूसरे हमारे बच्चे आते हैं तो तमाम जल्दी का हमला होता है। यानी हरेंद्र जी, समस्याएं बहुत बनी हुई है, विकास के वादे किए जाते हैं लेकिन विकास वहां पर होता ही नहीं है। विकास एक तरह से अपने नहीं पाया जब तक कि हम लोग ये कर रहे हैं आकर्षित करनी चाहिए कि बेरोजगारी को बहुत नुकसान है, इसके लिए उससे पहले भूमि सुधारों के लिए हमारे क्षेत्र की जनता जूझ रही है। जो शासन प्रशासन में बैठे वो हमारे ध्यान देंगे सभी क्षेत्र का बताओ सकते हैं। ठीक है हरेंद्र जी, जो इस तरह से समस्याएं आप बता रहे हैं उससे तो लगता है कि कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। और वो तो खैर हम लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या हाल जो है वो थराली विधानसभा का है। ना तो सड़कें हैं, ना ही लोगों को और ज़्यादा सुविधाएँ कुछ और चीज़ों की मिल रही हैं। चलिए अतुल सती जी, आप बताइए बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पर किस तरह की सुविधाएँ लोगों को मिलती हैं? नमस्कार, मैं बद्रीनाथ विधानसभा, तीन क्षेत्र हैं बद्रीनाथ विधानसभा में, तीन ब्लॉक हैं जिसमें पोखरी है, दशोली है और जोशीमठ ब्लॉक है। तो जी, मैं तो यहाँ जोशीमठ ब्लॉक में ही रहता हूँ, यहीं राजनीतिक और सामाजिक कार्य करता हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ के हालात जो हैं, पिछले फरवरी माह में रेणी में एक आपदा आई जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मर गए जी। और आप हालात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उस आपदा को आए हुए अब 10 महीने से ज़्यादा हो गए जी। और अभी भी रेणी के लोग जो कि विस्थापन की मांग कर रहे हैं वो अभी भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, वहाँ लोगों को मुआवजा पूरी तरह से नहीं मिला, लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए था जिन परियोजनाओं की वजह से ये आपदा आई और उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़कों का हाल आप देखिए, यहाँ से जोशीमठ से आगे आप चले जाइए तो जहाँ जहाँ सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है वहाँ जो है सारा मलबा नदी में डाला जा रहा है, सारी जगह से पहाड़ियाँ दरक रही हैं और भूस्खलन हो रहे हैं, लोगों के मकानों में दरारें हैं। 17, 18, 19 अक्टूबर को जो इस पूरे इलाके में बहुत 3 दिन बारिश हुई और उस बारिश की वजह से जगह जगह लोगों के घरों में दरारें हैं, भूस्खलन हुए हैं, सड़कें टूटी हैं। और इसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि ये जो क्षेत्र है ये
ये कमजोर क्षेत्र है, लेकिन जैसे कि पूरा हिमालय फ्रेजाइल इलाका है। अतुल जी, सरकार ने तो कहा था कि हमने लोगों को जो भी जरूरत वाली चीजें हैं वो पहुंचा दी है, मदद जनता की कर दी है। हाँ नहीं, हाँ सरकार का दावा तो ये है कि भाई तो डबल इंजन की सरकार है, तो कह रहे हैं डबल तेजी से काम हो रहा है, लेकिन जमीन पर हालात ये हैं कि हमने मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया है, 15-20 दिन हो गए, और इस बात को लेकर के कि पूरे इलाके का भूगर्भीय सर्वेक्षण होना चाहिए। ये पूरा इलाका जो है मोरेन पर बसा हुआ है, और सिर्फ जोशीमठ जो कि शहर है, जोशीमठ नगर पालिका में 130 से ज़्यादा लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे मकानों पर दरारें हैं, हमारे घर के आगे के पुश्ते टूट गए, हमारे आगे जमीन खिसक गई। पूरे जोशीमठ ब्लॉक से 300 से ज़्यादा लोगों की ये शिकायतें हैं। तो आप लगाइए कि पूरा इलाका गुलाब कोटी हो, यहाँ पाताल गंगा हो, यहाँ रैणी हो, यहाँ जो है आगे चले जाइए लाता, बहुत सारे गांव हैं, जुग जुग जुआ ग्वाड़, इतने सारे गांव हैं, टंगणी गांव है, एक वर्षों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। यानी कि ये गांव ऐसे हैं कि जिनको तुरंत बसाया जाना चाहिए। ये वो गांव हैं जो बरसात में भय और आशंका के साए में जीने को मजबूर हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी जो सवाल हैं वो अपनी जगह है ही हैं, लेकिन जो तात्कालिक सवाल है यानी कि जिससे लोगों के जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है, उन तक का हल करने में सरकार की कोई रुचि नहीं है। तो अतुल जी, ये तो जो समस्याएं थी वो आपने बता दी हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो भी इसी तरह से मिलती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य का हाल आप देखिए कि जोशीमठ में इस पूरे ब्लॉक का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्षों से कोई विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, लगातार लोग इस बात की मांग करते रहे हैं। यहाँ एक महिला चिकित्सालय हुआ करता था, वो जो है बंजर पड़ा हुआ है, वहाँ गायें पड़ी रहती है, वहाँ कोई महिला चिकित्सक नहीं है, कोई महिला विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, और पूरे ब्लॉक का ये एकमात्र मुख्य अस्पताल है, और ये रेफर सेंटर का काम करता है। और यहाँ से आप गोपेश्वर चले जाइए, जो कि इसी विधानसभा का मुख्यालय, जिला मुख्यालय भी है, वहाँ की भी हालत यही है कि वहाँ जाइए, वहाँ से फिर आप रेफर होकर के श्रीनगर भेज दिए जाते हैं, श्रीनगर से रेफर करके आप देहरादून, वहाँ तक आदमी जीवित रहा तो रहा और नहीं तो। और यहाँ जो है अक्सर प्रसव वाली जो महिलाएं हैं उनको जो है प्रसव के समय उनकी जीवन पर संकट पैदा हो जा रहा है, और जब प्रसव के लिए वहाँ जा रही हैं अस्पताल में तो पता चल रहा है कि उनसे हजारों रुपया लिया जा रहा है प्रसव कराने का, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, और जो बाकी जो सुविधाएं उनको मिलती हैं उन सुविधाओं से उनको वंचित रखा जा रहा है। तमाम मशीनें आकर के रखी हुई हैं, लेकिन उनके लिए जो है उनका देखने वाला लैब असिस्टेंट नहीं, उनको मशीनों को ऑपरेट करने वाले लोग नहीं, तो ये हालत। यानी कि कुल मिलाकर कुछ भी सुविधा वहाँ पर जनता को नहीं मिलती है। लेकिन देखिए अतुल जी, एक बड़ी विडंबना है कि जोशीमठ जो है पर्यटक स्थल है, भारी संख्या में पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं, बद्रीनाथ में पर्यटक काफी संख्या में पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर इन्हीं जगहों पर, इन्हीं स्थानों पर इस तरह से सुविधाएं नहीं होंगी, सुविधाओं का अभाव होगा, सड़कें नहीं बनी होंगी, स्वास्थ्य नहीं सुविधा लोगों को मिलेगी, शिक्षा की सुविधा नहीं मिलेगी, तो किस तरह से इंडिया आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, आप देखिए औली जो है मुख्य पर्यटक स्थल है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औली की पहचान है, वहाँ स्कीइंग के लिए लोग आते हैं जी। 25 तारीख से लेकर के और 31 तारीख दिसंबर तक औली पर्यटकों से फुल है, भरा हुआ है, होटलों की बुकिंग हो चुकी है। अगर बर्फ वहाँ पड़ गई तो आप जोशीमठ से औली गाड़ी में बैठ करके नहीं जा सकते हैं। सड़क की हालत यह है कि जगह जगह उस सड़क पर गड्ढे हैं और जगह जगह वो सड़क टूटी हुई है। इस बात की शिकायत लोग पिछले 2 साल से विधायक साहब से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं कि इस सड़क की मरम्मत की जाए, सड़क दुरुस्त किया जाए। कल परसों में अगर बर्फ गिर जाएगी तो पर्यटक तो छोड़िए, आम आदमी भी और सरकार का आदमी भी वहाँ ऊपर नहीं जा सकता है। और औली में सिर्फ पर्यटक नहीं, वहाँ सेना का भी मुख्यालय है, सेना के लोग भी वहाँ, सेना का कैंप है, ITBP का कैंप है, सेना की गाड़ियाँ भी ऊपर, ITBP की गाड़ियाँ भी औली जाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि औली की सड़क इतनी खराब, इतनी टूटी फूटी हुई है। इस बात को लेकर के लगातार लोग बोलते रहे। अभी 31 दिसंबर को पिछले साल का किस्सा है, उससे पिछले साल का किस्सा है, हजारों पर्यटक आ जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ सड़क में गिरी होती हैं या सड़क पर उनको लगाने की जगह नहीं होती, जाम लग जाता है। इस बात को लेकर के हमने केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब से कहा, यहाँ के तीरथ सिंह रावत जो हमारे सांसद हैं उनसे कहा कि हमको जो है पार्किंग के लिए यहाँ पैसा दीजिए, ताकि औली में व्यवस्थित पार्किंग बन सके, ताकि पर्यटकों की गाड़ी वहाँ लगाने की जगह हो, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है।
औली में तमाम तरह के होटल बन गए हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ जो आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनका विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं। तो चाहे बद्रीनाथ की यात्रा का मामला हो, बद्रीनाथ यात्रा मार्ग जब खुला उसी समय नरसिंह मंदिर से जो जाने वाला बाईपास रोड है वो जो है बंद रहा। ठीक जिस दिन यात्रा बंद हो गई नवंबर के महीने में, तब जाकर के वो मार्ग खुला है। अभी भी उसकी हालत ये है कि वो धसाव का शिकार है और किसी भी दिन वो जो है फिर से दोबारा टूट सकता है। इसको लेकर के लगातार लोग बोल रहे हैं, लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन सरकारों का इतने बड़े केंद्र में जो कि पर्यटन का और तीर्थाटन का बड़ा केंद्र है जोशीमठ, लेकिन उसको लेकर के तीर्थाटन को लेकर पर्यटन को लेकर सरकार के पास न दृष्टि है, न योजना है, न नीति है। जी ठीक है, चलिए अतुल जी, हरेंद्र भी जी भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। हरेंद्र जी आप बताइए कि जैसे अब देखिए कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन नाम की एक नया वेरिएंट सामने आ चुका है, उसके भी भारत में मामले बढ़ रहे हैं। अगर थराली विधानसभा की बात की जाए तो कोरोना को लेकर किस तरह के वहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है या है भी या नहीं, ये भी सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर है। जी मैडम, हमारे यहाँ थराली विधानसभा में कोविड को लेकर के तो ठीक सुविधा है, क्योंकि पिछले बार भी कोविड के ज्यादा मामले नहीं, दूर दराज का क्षेत्र है, यहाँ पर लोग जैविक खाना खाते हैं, तो उस वायरस का कम प्रभाव है हमारे क्षेत्र में और ज्यादा मामले हमारे गहरे मामले नहीं हुए। और सरकार वैक्सीनेशन करने के लिए जो एनएम से ही और आशा के माध्यम से गाँव गाँव तक पहुँच ही रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए था वो उससे थोड़ा उतना तेजी से नहीं हो रहा, लेकिन धीमी गति से चल ही रहा है। ठीक है हरेंद्र जी, लेकिन देखिए अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस तरह से देहरादून में देखा जाए, काशीपुर में देखा जाए, तमाम मैदानी इलाकों में उत्तराखंड में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, क्या थराली में भी इस तरह का कोई कार्यक्रम नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, कोई नेता आकर अब भी वहाँ पर लोगों से मिल रहा है? मैडम जहाँ तक बात की जाए थराली विधानसभा की, तो थराली विधानसभा में तो बड़े बड़े नेताओं की कोई ऐसी जनसभा नहीं है। यहाँ पे जो अभी सिटिंग विधायक हैं बीजेपी की माननीय मुन्नी देवी शाह जी और कांग्रेस के पूर्व जो विधायक थे प्रोफेसर जीतराम जी उन्हीं का ज्यादा क्षेत्र में आवागमन हो रहा है और बाकी कोई बड़ा नेता इस क्षेत्र में नहीं आता है। और यहाँ पे लोग पार्टियों और धड़े में जो बटे हुए हैं, लोगों का एजुकेशन स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि लोग उससे बाहर निकल के किसी अन्य पार्टी को वोट के लिए कहें, और यहाँ पे उसी उन दोनों पार्टी का ही ज्यादा यहाँ पे अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उनकी पकड़ है तो बात कर रहे हैं। रही विकास की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे विकास अभी बिल्कुल अछूता सा है थराली विधानसभा क्षेत्र। ठीक है हरेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से नेता वहां पर आए हैं, लेकिन क्या देखिए जब कोई भी नेता या मंत्री वहां पर आपके क्षेत्र में पहुंचता है तो जो भी समस्या आपके क्षेत्र की है क्या उन नेताओं को अवगत कराया जाता है उससे? जैसे कि यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि थराली विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े नेता बहुत कम आते हैं और यहाँ पे न कोई मंत्री न सरकार का कोई ऐसा नुमाइंदा आता है जो कि यहाँ के विकास के लिए काम करे। यहाँ पे नंदा देवी राजदास का जो वाहन धाम के लिए पांचों धाम की बात हो रही थी उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी भी सरकारों को कोई कदम नहीं उठाया। खाली जिले की मांग चल रही थी उससे कोई बात नहीं हुई। कई सड़कों की बात ऐसी बदहाल हो रही थी, तो जो बड़े बड़े वादे हैं थराली को डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात काफी वर्षों पहले से चल रही है, उनको कोई बात नहीं करता है क्योंकि नेतृत्वहीन क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि जहाँ का जो विधायक है जो मंत्री है जिस विधानसभा में जहाँ का जो मंत्री जो विधायक जिस विधानसभा से आता है वो वहीं का मंत्री रह जाता है उत्तराखंड में, उससे ऊपर की सोचता नहीं है, पूरे प्रदेश की बात नहीं सुनता है और केवल कुर्सी के लालच में उसी विधानसभा क्षेत्र की बात करता है, संपूर्ण विधानसभा की बात नहीं करता है। ये सबसे बड़ी कमी हमारे उत्तराखंड की है। ठीक है हरेंद्र जी, अतुल जी आपसे भी यही जानना चाहूंगी मैं, जिस तरह से देखिए बड़ी बड़ी चुनाव से पहले जनसभाएं की जा रही है, रैलियां की जा रही हैं, अगर बद्रीनाथ विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर भी क्या कोई नेता पहुंच रहे हैं लोगों से मिलने की, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश हो रही है?
हाँ फिलहाल ये तो लगातार है ही जोशीमठ में, तो खैर ये पिछले एक हफ्ते में तो कोई ऐसी बड़ी सभा या ऐसा जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इस विधानसभा में कार्यक्रम हैं और नेता लोग जा रहे हैं और संपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन वो जनता के समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको रख रहे हैं ये तो थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है। हाँ विपक्ष की पार्टियाँ ज़रूर सत्ताधारी पार्टी पर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं, लेकिन वही लोग कुछ साल पहले, 5 साल पहले सत्ता में थे और जो कुछ इस राज्य ने देखा है पिछले 20 सालों में जी। कि अदला बदली होती रही दोनों पार्टियों की और दोनों के समय में जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, तो ये समस्याएँ तो जो है बनी हुई हैं और ये कोई आज की समस्या नहीं, पिछले 20 साल से लगातार लोग इनको लेकर के लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। जल जंगल जमीन का सवाल, रोजगार का सवाल हो, राजधानी का सवाल हो, जिस चमोली जिले के लिए बड़ा सवाल था राजधानी का सवाल, तो उसको लेकर के तो लोग बोलते रहे। तो ये तो दोनों पार्टियां सत्ता में रही, दोनों ने कुछ नहीं किया जी। तो जी बिल्कुल अतुल जी, और देखिए अगर बद्रीनाथ विधानसभा की जनता की बात की जाए तो जनता के मन में अभी क्या है, वहां के लोगों के मन में, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, किसकी तरफ झुकाव जनता का देखा जा रहा है उधर? अभी तो ये कहना थोड़ा सा वो नहीं है, जनता निसंदेह असमंजस में है। नहीं, जिस तरह से समस्याएं बनी हुई है, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि सड़कें तक नहीं है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, उस हिसाब से बताइए। जनता में नाराजगी है इस बात को लेकर के, जनता निराश है, 20 सालों के दोनों पार्टियों के कार्यकाल को देखते हुए जनता में निराशा है और जनता असमंजस में है कि वो क्या क्या ऑप्शन, क्या उनके पास विकल्प है, क्योंकि विकल्प बहुत सीमित है जनता के सामने और इस राज्य के जो समस्याएं हैं वो बड़ी धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही हैं, चाहे आर्थिक हो और चाहे जो है रोजगार की समस्या हो, चाहे अन्य सवाल हो जिनको लेकर के लोग लगातार, यहाँ तो जोशीमठ जो है बड़ी उत्पादन का क्षेत्र था, यहाँ फल उत्पादन का बड़ा उम्मीद थी लोगों की कि फल पट्टी बनेगी, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज होगा, किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ये सब हुआ नहीं है, इसको लेकर लोगों में निराशा जरूर है। लेकिन आप देखिए कि विकल्प बहुत सीमित है लोगों के पास कि लोग जाएँ कहाँ, अगर एक सांपनाथ है तो दूसरे नागनाथ, किसका पल्ला पकड़े, ये ठीक है अतुल जी। हरेंद्र जी आप बताइए, थराली विधानसभा में देखिए उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारें रही हैं काफी लंबे लंबे समय के लिए, अगर थराली विधानसभा की जनता की बात करें तो वहां पर क्या लगता है कि जनता किसके सरकार के काम से खुश रही? मैडम जैसे कि बदली को उत्तराखंड में अभी हमारे भाई कह रहे थे कि उत्तराखंड हिमाचल के तर्ज पे 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, जैसे भाई बंटवारा जैसा दे ही रहा है इन पार्टियों को, लेकिन जहां तक विकास की बात हो, जहां तक रोजगार की बात हो, जहां तक लोगों की सुविधा की बात हो, तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड में एनडी तिवारी जो हमारे सीएम हुए थे उसके बाद एक मतलब अन्य मुख्यमंत्री केवल घोषणाओं तक ही सीमित रह गए हैं और आने वाले टाइम पे जनता ये चाह रही कि ठोस विकल्प अगर जनता के बीच में हो तो जनता का कुछ प्रकार से कि अब लोग किसी पार्टी पे भरोसा उड़ गया है, लोगों पे भरोसा उड़ गया है, अब लोग ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो व्यक्ति पार्टी को छोड़ करके व्यक्तित्ववाद पे लोगों का सोच ज्यादा जा रहा है, ये हमारी विधानसभा की एक सोच है। यानी कि अभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल कई हैं कि क्या करना है आगे, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी बताया समस्याएं लोगों की जिस तरह से लगातार बनी हुई हैं, कोई भी आया कोई भी गया लेकिन समस्याओं पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जी मैम जी, तो ठीक है। हरेंद्र जी एक चीज और यहाँ पर जानना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से आपने बताया कि स्वास्थ्य की भी सुविधाएं नहीं है, अगर देर रात मान लीजिए किसी की कोई समस्या आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो फिर कहाँ लोग भागते हैं? फिर मैम पहले तो हमारे क्षेत्र दूरदराज का है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे स्लाइडिंग जोन बहुत सारे एरियाज है, चाहे गाँव से पहले मुख्य ब्लॉक पे आने तक जो सड़कें हैं वो बिल्कुल इस प्रकार की हैं कि बरसात के टाइम पे बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, 3-4 महीने बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, जहाँ सड़कें भी तो डंडियों के माध्यम से एक प्रकार की डोली में ला करके महिलाओं को लाया जाता है, प्रसवकालीन समय में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं,
उसके बाद भी अगर विकासखंड स्तर पे उनको समुचित व्यवस्था न मिले तो रिफर कर दिए जाते हैं कर्णप्रयाग या श्रीनगर के लिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, हमारी सरकारों को ये सोचना चाहिए कि हमको सबसे पहले एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, और यानी कि हरेंद्र जी कुल मिलाकर समस्या सारी है लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। चलिए ठीक है, हरेंद्र जी और अतुल जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में मेरा गांव मेरे देश के उत्तराखंड एडिशन में आज हम थराली विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ की समस्याएँ जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो बातें सामने निकल कर आई हैं उनसे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बड़े बड़े वादे तो चुनाव से पहले नेताओं की तरफ से कर दिए जाते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा करना क्या सही समय पर एक बड़ा सवाल होता है कि क्या सही समय पर वो सभी वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जनता के सामने वादे कर दिए जाते हैं लेकिन जनता कितनी परेशान है और किस हाल में है ये देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात किसी और विधानसभा के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।